हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की जो प्रश्नोत्तरी हमने शुरू की है, यानी कि डेली जो टेस्ट सीरीज है अपनी, उसका आज चौथा टेस्ट है। और इस चौथे टेस्ट में अपने एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, संज्ञा। संज्ञा एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको दो तीन भागों में बांट करके देखेंगे। दोस्तों, ये हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी जो है इंपॉर्टेंट है, रीट के लिए, पटवार के लिए, एसआई के लिए, एलडीसी, हाईकोर्ट या ऐसा कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी व्याकरण पूछी जानी है, उन सभी के ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है हमारा, संज्ञा से क्या तात्पर्य है? धर्म है, स्वभाव है, नाम है या फिर कर्म है, क्या है? दोस्तों, बड़ा आसान सा प्रश्न है और आई होप कि आप सभी का ये सही होगा। तो संज्ञा से तात्पर्य क्या है? इसका सही आंसर है नंबर 3, यानी नाम। देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा संज्ञा शब्द है, इस संज्ञा शब्द का अर्थ ही होता है नाम। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए संज्ञा किसे कहते हैं, तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इसलिए पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ों का अस्तित्व है, जितने भाव हैं, विचार हैं, जिसका भी कुछ नाम है, वो सारे के सारे किस में आते हैं? वो संज्ञा में ही आते हैं। दोस्तों, तो संज्ञा शब्द का अभिप्राय क्या होता है? नाम। तो सही आंसर अपना कौन सा हो गया? 3 नंबर। बात करते हैं अगले प्रश्न के, संज्ञा का मुख्य भेद नहीं है। दोस्तों, कौन सा नहीं है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक। देखिएगा दोस्तों, हमने ये नहीं कहा कि कौन सा भेद नहीं है, हमने ये कहा है कि मुख्य भेद नहीं है। अगर यही प्रश्न आपसे पूछा जाए, और पूछे गए हैं दोस्तों, हम जिन भी प्रश्नों की इस सीरीज के अंदर बात कर रहे हैं, वो सारे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। तो किस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ हमें बताना है मुख्य भेद नहीं है। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, यानी समूहवाचक जो है वो मुख्य भेद नहीं है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि जो संज्ञा है, तो इसके कितने भेद हैं? इसके अपने 2 प्रकार से भेद मान करके चलते हैं। एक तो आपको 3 मिलेगा और एक मिलेगा 5। देखिए, हिंदी में बात करें तो 3 अपने जो मान करके चलते हैं, एक तो आता है व्यक्तिवाचक, एक आता है जातिवाचक और एक आता है भाववाचक। ये तीनों आपने देखे होंगे। अगर आपसे पूछा जाए संज्ञा के भेद कितने हैं, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो चाहे कोई भी बुक हो, ये 3 अपने मान करके चलते हैं। लेकिन अगर हम इसमें आगे और इसको डिफाइन करना चाहें, तो इसमें 2 भेद और जोड़ें प्लस में, तो ये 5 हो जाते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक, और 5वां आता है समूहवाचक। देखिएगा दोस्तों, इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश की जो हमारी ग्रामर है, उसके अंदर 5 होते हैं। तो कुछ विद्वान जो हैं, इसके आधार पर 5 भी मानते हैं। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो हैं वो जातिवाचक में ही आते हैं। तो जैसा प्रश्न पूछा जाए, उसी हिसाब से हम देखेंगे। तो हमारा प्रश्न क्या था कि संज्ञा का मुख्य भेद नहीं है। तो मुख्य तो हमारे कौन से हैं? ये 3 हैं। कुछ एक तो इसको ये 2 भाग बांट करके लिख देते हैं, 3 के अंदर ही कुछ इसको 5 भी मानते हैं। अंग्रेजी के आधार पर अपने इसको 5 मान के चलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा समूहवाचक। हालांकि सारे के सारे जो हैं वो संज्ञा के ही भेद हैं। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें, तीसरा हमारा प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा नहीं है। जो शब्द दे रखे हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों, हमें ये जो विकल्प है, इनमें से बताना है कि संज्ञा शब्द कौन सा है। मूर्ख है, प्रातः है, विस्तृत है या फिर बुराई है, कौन सा है? दोस्तों, तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो है 4 नंबर। देखिए, बुराई जो है वो भाववाचक संज्ञा में आता है, इसलिए बुराई क्या है? संज्ञा है। मूर्ख तो देखिए विशेषण होता है, इसको भी अपने विशेषण के रूप में काम में ले सकते हैं। ये समय बोधक शब्द माना जाता है। दोस्तों देखिए, बुरा शब्द से बना हुआ है बुराई, ठीक है। दोस्तों, ये मूर्ख है, ये विशेषण है, कैसे पता चलेगा? देखिएगा, मूर्ख कौन हो सकता है? व्यक्ति होता है ना, तो मूर्ख व्यक्ति। तो एक चीज अगर आपको पहचानने में कभी भी दिक्कत हो, तो जो विशेषण होगा ना, ज्यादातर भाववाचक संज्ञा के प्रश्न पूछता है, तो वहां पर आपको विशेषण मिलता है। तो वो जो विशेषण है, वो जो जिस चीज से संबंधित है, उसके आगे लगा करके देख लो। अगर आगे लगाते हैं और शब्द अटपटा नहीं रहता है, तो मतलब वो शब्द संज्ञा नहीं है, बल्कि वो विशेषण है, क्योंकि विशेषण आगे लगता है। लेकिन यहीं पर अगर होता आपके पास में मूर्खता,
और आपको बताना होता है कि ये संज्ञा है या नहीं। तो मूर्खता किसका भाव है? व्यक्ति का। हम देखो मूर्खता व्यक्ति लिखें तो जचता है क्या? ये नहीं जच रहा ना, तो इसका मतलब ये विशेषण तो नहीं है। फिर क्या है ये? फिर ये संज्ञा होती है दोस्तों। लेकिन मूर्ख की बात करें, मूर्ख व्यक्ति, ये जच रहा है दोस्तों, ये सही लग रहा है। तो इस आधार पर भी ये छोटे छोटे विचार हैं जिनके आधार पर आप आंसर निकालेंगे। ये सारी चीजें आपको एग्जाम में काम आने वाली है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, हमें बताना है कौन सी संज्ञा भाववाचक नहीं है। ये चार ऑप्शन है हमारे पास में, एकता है, बनारसी है, बैठक है और बचपन है। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा नहीं है, या तो फिर वो कोई और संज्ञा है, या फिर देखिए वो संज्ञा ही नहीं है दोस्तों। कौन सा शब्द होगा? एकता, ता लगा हुआ होता है तो वो तो भाववाचक संज्ञा होती है। बच्चा से बचपन भी बन गया, और यहाँ पर बैठना से बैठक बन गया, ये भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन बनारसी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? दो नंबर। आप इसे विशेषण के रूप में भी काम में लेते हैं, और कई बार ये जातिवाचक के रूप में भी काम आ जाता है। यहाँ देखिएगा जो इसका उपयोग है, जैसे अपने कहते हैं बनारसी पान, यहाँ अपने लिखें तो बनारसी पान के अंदर देखो ये विशेषण का काम कर रहा है दोस्तों। तो जैसा भी आंसर आए, जैसे भी ऑप्शन आए, उसी हिसाब से हमें देखना है, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या होगा? बनारसी होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? यहाँ हमें बताना है कि भाववाचक कौन सा है। ऑप्शन है पंडित है, मित्रता है, चलना है, या फिर इच्छा है दोस्तों। कौन सा है? तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो है हमारा दो नंबर, यानी मित्रता। देखिएगा मित्र जो शब्द है उसमें ता लगाने से क्या बन गया? मित्रता बन गया। देखिएगा दोस्तों मित्र जो है वो जातिवाचक शब्द होता है। जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं, जो भी रिश्ते नातों के जो भी नाम हैं, वो सारे के सारे जातिवाचक अपने लेकर के चलते हैं। जो पद या व्यवसाय होते हैं वो भी हमारे जातिवाचक होते हैं दोस्तों। तो यहाँ मित्रता जो शब्द है वो कौन सा है? भाववाचक शब्द है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं है? यहाँ हमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो जातिवाचक नहीं है। पहले तो ये देखिएगा भी जातिवाचक होता कौन सा है। जातिवाचक से हमें किसी जाति का बोध होता है दोस्तों, जैसे मनुष्य जाति है, या देखिए जवान है, बालक है। लेकिन यहाँ अगर हम सुंदर की बात करें तो सुंदर शब्द कौन सा होता है? सुंदर शब्द तो संज्ञा भी नहीं है दोस्तों। तो सुंदर शब्द क्या होता है? सुंदर देखिए कौन हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। सुंदर पुष्प हो सकता है, सुंदर व्यक्ति हो सकता है, सुंदर बालक हो सकता है, यानी ये किसी के भी आगे लग सकता है। तो फिर बताइए ये संज्ञा है क्या? तो ये संज्ञा है ही नहीं, तो फिर ये क्या है? ये विशेषण है दोस्तों। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? दो नंबर, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। दोस्तों कई बार आपको ऑप्शन इस प्रकार के मिलेंगे कि आप बिल्कुल स्पष्ट नहीं होंगे, लेकिन वहां आपको आंसर तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए और अपना पूरा लॉजिक लगाइएगा। यहां देखिएगा अगर आप किताब के अकॉर्डिंग चलेंगे या जैसा लिखा हुआ है वैसा पढ़ के चलेंगे तो आपको समस्या होती है। यहां पर पूरा लॉजिक लगाएंगे तो आंसर आपका आराम से निकल जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सातवां हमारा प्रश्न है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? पदबंध कहते हैं, अविकारी कहते हैं, विकारी कहते हैं, या फिर पद कहते हैं दोस्तों। हमने कहा जिसमें जो है लिंग आदि के आधार पर, लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अपने क्या कहते हैं? परिवर्तन नहीं होता यानी विकार नहीं होता है तो उनको क्या कहेंगे दोस्तों? उनको कहेंगे अपने दो नंबर, यानी कि अविकारी। अविकारी दो प्रकार के शब्द होते हैं विकार के आधार पर, एक तो विकारी और एक अविकारी होते हैं दोस्तों। आगे भी इससे संबंधित प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, हमें ये बताना है कि इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है दोस्तों। हमें संज्ञा शब्द बताना है कौन सा होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें से जो सही आंसर है वो है हमारा दो नंबर, यानी कि क्रोध। क्रोध क्या है? एक भाव है दोस्तों। अब देखिएगा जो समस्या होनी है वो यहाँ पर इन तीनों में हो सकती है। तो तीनों ही देखिएगा किससे बने हुए हैं? क्रोध से बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसी को संज्ञा क्यों कहा? देखिएगा ये दोनों जो शब्द हैं क्या ये किसी व्यक्ति के आगे लग सकते हैं? क्या हम ऐसा लिखें क्रोधित व्यक्ति या क्रुद्ध व्यक्ति? तो जच रहा है, लेकिन हम कहें क्रोध व्यक्ति। अब देख लीजिएगा आप, इनमें से अगर आपसे पूछा जाए विशेषण कौन सा है तो ये भी विशेषण हो गया, ये भी विशेषण के रूप में ले सकते हैं, लेकिन ये हमारा क्या हो गया? संज्ञा हो गया। तो ये भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का है? पहाड़ है, आम है, यमुना है, या फिर गाय है दोस्तों।
व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 3 नंबर, यानी कि यमुना। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? जो पर्टिकुलर नाम हो गया, जिसे हम किसी और का नाम नहीं ले सकते, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये जो भी चीजें हैं, इनके जो नाम होते हैं उनको कहते हैं। जैसे पहाड़ तो कोई भी हो सकता है, यमुना, अब यमुना किसी का नाम हो सकता है। यमुना अगर हम कहें नदी तो वो तो देखिएगा जातिवाचक हो गया, लेकिन हम कहें यमुना नदी तो अगर यमुना कहें तो फिर कौन सा हो गया? फिर वो व्यक्तिवाचक हो गया, यानी हम उस एक की बात कर रहे हैं दोस्तों। आम हो गया, ये सारे जातिवाचक हैं। एक और पहचान मैं आपको यहाँ बता देता हूँ व्यक्तिवाचक और जातिवाचक की, कि जब भी आप किसी जातिवाचक शब्द को पढ़ते हैं तो एक तस्वीर आपके दिमाग में उभरती है, लेकिन व्यक्तिवाचक में कोई तस्वीर स्पष्ट नहीं बनेगी। जैसे हम पहाड़ कहें तो पहाड़ आपको दिखाई देगा, आम कहें तो आम आपको दिखाई देता है, गाय की बात करें तो गाय आपको दिखाई देती है, लेकिन यमुना अगर आपकी नदी देखी हुई है तो दिखाई देगी, और वहाँ भी आप स्पष्ट नहीं हो सकते। हो सकता है किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी महिला का नाम हो, किसी कन्या का नाम, ये हो सकता है दोस्तों। तो फिर ये बिल्कुल यहाँ पर कोई तस्वीर हमारे मन में नहीं उभरती है। यहाँ मान लीजिएगा मनोज लिखा होता तो हम क्या करते? देखो कौन सा मनोज, सुरेश लिखा होता तो कौन सा सुरेश, कोई भी तस्वीर हमारे दिमाग में नहीं आती। लेकिन हम पहाड़ कहें और मैं देखिएगा लिखता हूँ किताब, मैं लिखूँ पेड़, मैं लिखूँ पक्षी, तो ये देखिएगा ये जो भी चीज़ें हैं, क्या इनको ये नाम पढ़ते ही हमारे दिमाग में कोई तस्वीर नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। लेकिन मैं लिखूँ राजा, राजेश, सॉरी राजेश लिखूं तो कौन सा, ये हमारे दिमाग में कहीं भी नहीं आ रहा है, इसकी कोई तस्वीर नहीं बन रही है, तो फिर ये कौन सा होगा? ये व्यक्तिवाचक होता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, राम, रामायण, हिमालय, जयपुर आदि किस प्रकार की संज्ञा है दोस्तों? किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1 नंबर, व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक कौन सी होती है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन्हीं में से देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का जो नाम है वो यही होता है, किसी पुस्तक का नाम है, पुस्तक या फिर पत्रिका का नाम है वो भी आता है, किसी पर्वत का नाम, पर्वत, पठार या नदी या किसी सागर, समुद्र का नाम, वो सारे आते हैं, किसी स्थान का नाम, स्थान का पर्टिकुलर नाम ही है ना जयपुर, तो देखिए स्थान का नाम हो गया, ये पर्वत का नाम हो गया, ये पुस्तक का नाम हो गया, ये किसका नाम हो गया? व्यक्ति का नाम है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? व्यक्तिवाचक के एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी, आभूषण, गुण दोष या फिर दिशाएं, कौन से आते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 3 नंबर, यानी गुण दोष आते हैं। पशु पक्षी तो देखिएगा जाति होती हैं, ये आभूषण अपने द्रव्य में भी ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए दिशाएं शब्द लिखें, अगर दिशाओं के नाम हैं जैसे पूर्व है, पश्चिम है, तो ये पर्टिकुलर नाम हो गए, ये अपने व्यक्तिवाचक में लेकर के चलते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? गुण दोष होगा। जैसे किसी में भलाई है, किसी में बुराई है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। बात करें अगले प्रश्न की, किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? हमें बताना है कि कौन से विकल्प में संज्ञा तो है लेकिन व्यक्तिवाचक नहीं है। औरत है, गंगा है, रामायण है या फिर पटना है, कौन से में नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1 नंबर, यानी औरत में नहीं, ये जातिवाचक है दोस्तों। ये देखिएगा मनुष्य के जो भी नाम हैं वो जातिवाचक में ही आते हैं। मनुष्य जैसे कि आदमी, औरत, पुरुष, बालक, है ना, ये सारे के सारे जो नाम हैं वो जातिवाचक में आते हैं। गंगा पर्टिकुलर नाम है, पटना पर्टिकुलर नाम है, ये रामायण हमने पीछे भी देखा था। तो सही आंसर कौन सा है? व्यक्तिवाचक कौन सी नहीं है? औरत नहीं है दोस्तों। 13वें प्रश्न की बात करें, भीड़ शब्द में संज्ञा है कौन सी है? व्यक्तिवाचक है, समुदायवाचक है, द्रव्यवाचक है या फिर भाववाचक है दोस्तों? इससे किस चीज़ का बोध हो रहा है दोस्तों? हिंदी को जब भी आप पढ़ें या किसी भी भाषा को आप जब पढ़ रहे हैं, तो कोई भी शब्द है अगर हमें पहचानना है कि ये शब्द कौन सा है, तो आप हमेशा उस चीज़ में ये ध्यान देना कि उस शब्द से किस चीज़ का बोध हो रहा है, यानी उस शब्द को पढ़ते ही आपके दिमाग में कौन सा विचार आता है। भीड़ से क्या दिखाई देता है आपको? भीड़ से एक समूह दिखाई देता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? समूह, यानी समुदायवाचक संज्ञा अपने मान के चलते हैं, या इसे समूहवाचक कहेंगे या समुदायवाचक कहेंगे दोस्तों। ये कोई मन में उठने वाला भाव नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है, चीज़ का नाम नहीं है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, 14वां नंबर प्रश्न है हमारा, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर शब्द विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? हमने कहा कौन सा शब्द ऐसा प्रत्यय है जो मधुर शब्द जो है विशेषण
भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। मधुर शब्द कौन सा है, मधुर विशेषण है, ये भाववाचक में बदल जाएगा कौन सा प्रत्यय लगाने से, कौन सा लगाने से बदल जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 4 नंबर यानी ता। अब देख लीजिएगा, अगर हम ये कहें मधुरतम लगाएं तो मधुरतम बन गया, या फिर ये बनता मधुरपन, या फिर बना मधुरत्व, या फिर बना मधुरता। अब आप देख सकते हैं कौन सा है दोस्तों भाववाचक। मधुरतम तो ये तो देखिएगा इसकी उच्चतम स्तर हो गया विशेषण का, यानी मधुरतम हो गया, सबसे ज़्यादा मधुर हो गया। ये मधुरपन भी नहीं होगा, मधुरत्व ये इसमें जस्ता नहीं है, ये होता भी नहीं है, तो हम इसको मधुरता के रूप में लिखते हैं या फिर माधुर्य लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ता प्रत्यय लगाने से हुआ ना। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 15वां हमारा शब्द है पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है, द्रव्य, जाति, भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक, कौन सी संज्ञा है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 1 नंबर द्रव्यवाचक। देखिएगा दोस्तों, जो खाने और पीने की जो भी चीज़ें हैं वो सारी इसमें आती है, जो भी धातु है वो सारी की सारी इसी में आती हैं दोस्तों। जैसे सोना, चांदी, ये जो भी चीज़ें हैं खाने पीने की, तेल, घी, ये सारी जिनको खा पी सकते हैं, ये द्रव्यवाचक में आती हैं। देखिए यहाँ जातिवाचक भी था, द्रव्यवाचक जातिवाचक का ही भाग है, लेकिन अगर यहाँ द्रव्यवाचक दे रखा है तो आप उसको समझ जाइएगा कि एग्जामिनर द्रव्यवाचक पूछना चाहता है, इसीलिए उसने यहाँ पर लिखा है। अगले प्रश्न की बात करें, 16वां हमारा प्रश्न है सोना चांदी में संज्ञा का भेद बताएं, कौन सा होगा दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 3 नंबर। आप देख लीजिएगा सोना चांदी क्या है, धातु, और पिछले प्रश्न में ही हमने क्या बात की थी, धातु जो है वो द्रव्य होती है, द्रव्य यानी कि पदार्थ। तो ये सारी किसमें आएंगी, धातु जो भी हैं वो किसमें आती हैं, द्रव्यवाचक में आती हैं। बात करें अगले प्रश्न की, 17वां हमारा प्रश्न है विशेषण शब्द से बनी संज्ञा कौन सी है, हमें इनमें से पहचानना है विशेषण शब्द से बनी संज्ञा कौन सी। थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो वैसे ही निकल जाएगा दोस्तों ये, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा सही आंसर, सही आंसर है इसका 1 नंबर। देखिएगा सुंदर शब्द था विशेषण और इसमें लगाया ता, तो ये बना सुंदरता, यानी क्या बन गया, सुंदर से बना हुआ विशेषण हो गया, सॉरी सुंदर से बना हुआ ये भाववाचक संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है जो विशेषण से बनी है। लड़का, लड़का से बना हुआ है, लड़का में पन लगाया तो लड़कपन बन गया, लेकिन लड़का शब्द संज्ञा होती है, विशेषण तो नहीं है। फिर ममता यानी मम से बना हुआ है, बालक से या बाल से बना हुआ है बालपन, तो ये भी सारे संज्ञा से देखिए बना हुआ है, और ये जो है अपने सर्वनाम से बना हुआ है। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि ये जो शब्द हैं विशेषण से बना हुआ कौन सा है, वो सुंदरता को लेकर के चलते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, किस विकल्प के अंदर सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं, यानी ये जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से जो सबसे सही होगा उसमें सारे के सारे शब्द भाववाचक संज्ञा होंगे, कौन से में दोस्तों। यहाँ आप जो है काट सकते हैं, देखिएगा गाय कौन सी होती है, गाय जातिवाचक है तो फिर ये विकल्प हो नहीं सकता। यहाँ देखिएगा राधे श्याम है, राधे श्याम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी तो फिर ये भी नहीं हो सकता। यहाँ वृक्ष कौन सा हो गया, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सारे वृक्ष ये जातिवाचक हैं तो फिर ये नहीं हो सकता। वैसे भी कौन सा बचा, ये आय है, साधना है, ऊंचाई है, ये सारे के सारे कौन से हो गए, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चाहे आपको स्पष्ट नहीं भी लग रहा हो लेकिन आपको ये पता है ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो फिर डेफिनेट जो बचा हुआ है वही आपका आंसर होता है और उसी को आपको करना है दोस्तों। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, इसका सही आंसर 2 नंबर था। अगले प्रश्न की 19वें की बात करें, कुंज शब्द में संज्ञा है कौन सी है दोस्तों। अब वापिस दोहरा रहा हूँ, इसका भाव देखिएगा, जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में फीचर कौन सी बन रही है, जो इमेज बन रही है वो सबसे ज़्यादा चीज़ें सही होती है दोस्तों। देखिए शब्द जो हैं वो हमारे दिमाग में किसी न किसी इमेज को बनाते हैं, उस इमेज को आपको कैच करना है और वहीं से आपका आंसर निकलेगा। तो कुंज शब्द में क्या दिखाई दे रहा है आपको, कुंज से किस भाव का बोध होता है, कुंज से बोध होता है हमें 1 नंबर का यानी समूह का, तो ये कौन सा होगा, समूहवाचक। कुंज में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, एक तो नहीं होता। बात करें अगले प्रश्न की, 20वां हमारा प्रश्न है, सूजन में कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी है, सूजन शब्द जो है उससे कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी है, ये जो 4 ऑप्शन है हमें बताना है कौन सी बनी है दोस्तों। सही आंसर कौन सा है, 4 नंबर, सूजन से बना है सौजन्य। यहाँ एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ लगा हुआ है यह प्रत्यय, सूजन प्लस ये, और देखिएगा आप इस बात को लिख लीजिएगा भले, ये जिसमें ये प्रत्यय के बिना आपका कभी भी पेपर नहीं बनता है दोस्तों। अगर 10 प्रश्न भी आएंगे तो 1 प्रश्न आपको ये प्रत्यय वाला मिल ही जाता है, एक
और यह प्रत्यय, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वर्तनी शुद्धि में पूछे, चाहे वो संज्ञा में पूछे, चाहे यहाँ पूछे भाववाचक संज्ञा में पूछे, किसी भी प्रकार से पूछे वो पूछ ही लेता है दोस्तों। तो देखिएगा इसका जो अपने नियम होता है, यह कभी भी अगर देखिए प्रत्यय के रूप में यूज होगा तो पहले वाले शब्द का पहला स्वर बदल जाता है। ए या आ है तो उसको हम आ लिख देते हैं, ई या ई है तो उसके जगह आई कर देते हैं अपने, और अगर है ऊ या फिर ऊ तो अपने उसको कर देते हैं औ। तो यहाँ देखिएगा हमारे पास में था सूजन प्लस ये, तो सू का तो क्या हो गया सौ, और आगे आधा न हो गया यण संधि की तरह, और ये क्या बन गया सौजन्य। जैसे अगर होता मधुर प्लस ये तो देखिए क्या बनता, इस ए का क्या हो जाता इसके नियम के अनुसार माँ, और आगे फिर यही बन जाता है। देख लीजिए वर्तनी शुद्धि में कितनी बार ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है अविकारी शब्द होता है, अविकारी शब्द कौन सा होता है, संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या फिर विशेषण है। अविकारी जिसमें कोई भी विकार नहीं होता है कौन सा होता है दोस्तों, अव्यय। ये अविकारी शब्द हमने पहले भी बात की थी, जो शब्द हैं वो दो प्रकार के थे, कौन कौन से थे, एक तो था विकारी और दूसरा था अविकारी। लिंग वचन कारक के हिसाब से जिसमें परिवर्तन होता है वो देखिए विकारी, विकारी में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी में आता है अव्यय, तो अव्यय कौन सा हो गया, यही हो गया हमारा दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मधुर शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है दोस्तों, कौन सी होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। कौन सा होगा दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा है, एक नंबर सबसे सही कौन सा होगा, यही है। हालांकि ये भी सही हो सकता है, मधुरता यहाँ ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, और जैसा क्वेश्चन पूछा गया है मैंने आपको वैसा ही दिया। दोनों आ जाएँ तो अपने कौन से को प्राथमिकता देंगे, अपने माधुर्य को देंगे दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 23वें की, जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है, किसका नहीं होता है दोस्तों, आदमी की जाति का, पशु के नाम का, पद का या फिर पक्षी के नाम का, किसका बोध नहीं होता है जातिवाचक संज्ञा से। जाति का ही नहीं होता दोस्तों, बाकी सबका होता है, यानी पशु का कोई नाम है, यानी पद का नाम है, पक्षी का नाम है, जैसे तोता, मैना या चिड़िया जो भी हैं वो सारे आएंगे इसमें, पशु, गाय, भैंस जो भी हैं वो भी आ जाएंगे, पद, अध्यापक वगैरह जो भी हैं वो सारे इसी में आते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, सोमवार, जनवरी, चंद्रमा, दीपावली आदि शब्द में कौन सी संज्ञा है दोस्तों, कौन सी संज्ञा है बताइएगा, कौन सी है, ये पर्टिकुलर नाम है या नहीं, तो फिर कौन सी संज्ञा होगी, दो नंबर, यानी ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। दिन, माह, ये जो नाम होते हैं वो सारे इसमें आते हैं, ग्रहों के नाम हैं वो भी इसी में आते हैं, त्यौहार के जो नाम हैं वो भी इसी में आते हैं दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, 25वां और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, निम्न में से क्रिया शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ नहीं है बताना है कौन से बनी हुई है। देखिए क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन से नहीं है दोस्तों, यहाँ हमें बताना है शब्द जो है वो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा तो सारी है लेकिन क्रिया से नहीं बनी है। लड़ाई किससे बनी हुई है, लड़ना है इसमें, भला से देखिए भलाई, कमाना से कमाई और पढ़ना से पढ़ाई, क्या इससे क्रिया का बोध होता है, होता है। कमाना से क्रिया का बोध होता है, होता है। लड़ना से बोध होता है, होता है। लेकिन भला, भला क्या है, भला आदमी होता है, तो ये कौन सा हो गया, ये विशेषण हो गया, तो इसमें कौन सा नहीं होगा दोस्तों, ये वाला नहीं होगा, यानी ये क्रिया से बना हुआ नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो गया दो नंबर, यानी कि भलाई, भलाई जो है वो क्रिया से बना हुआ शब्द नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना ताकि उनको भी लाभ हो जाए, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको डेली मिलते रहते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कल के टेस्ट में अपने फिर से संज्ञा के विषय में ही बात करेंगे, कुछ और अलग प्रकार के प्रश्न जो रह जाते हैं उनको अपने देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।